फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है सोलर पैनल। सोलर पैनल क्या होता है, इनकी टाइप्स कौन कौन से होती हैं, इसके अलावा इनकी कितनी लेयर्स होती हैं जिनमें सोलर पैनल बेस्ड करता है, उसके अलावा अच्छी कंपनीज कौन सी हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, ये सारे टॉपिक और ये सारे जो उनसे क्वेश्चंस हैं ये हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। तो जो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सोलर पैनल। इस तरह की शक्ल आपने देखी होगी जो छत पे लगी होती है, इसको हम सोलर पैनल कहते हैं और ये है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। इसमें ब्लैक सेल्स भी अवेलेबल होते हैं और ब्लू सेल्स भी अवेलेबल होते हैं। तो इनको हम बेसिकली यूज़ करते हैं ठंडे एरिया में, जहाँ पर सर्दी के महीने जो उनसे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं इनके टाइप्स की। बेसिकली सोलर पैनल के टू टाइप्स हैं, मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन। जो मोनोक्रिस्टलाइन है वो ठंडे एरिया में इस्तेमाल होता है जहाँ गर्मियों के महीने कम हों। जिस मुल्क में गर्मियों के महीने कम होते हैं या गर्मी नॉर्मल टेम्परेचर जो सा होता है वहाँ पर मोनोक्रिस्टलाइन यूज़ होता है, जबकि जो पॉलीक्रिस्टलाइन है वो गर्म इलाकों में यूज़ होता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, जिस तरह हमारा कराची हो गया, लाहौर हो गया, जो गर्म शहर हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती हो वहाँ पर लोग पॉलीक्रिस्टलाइन इंस्टॉल करते हैं। अब हम इनकी अगर प्राइस की बात करते हैं तो जो सा हमारा मोनोक्रिस्टलाइन पैनल है ये थोड़ा महंगा होता है, जबकि जो हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल है वो मोनो से सस्ता होता है। मोनो में डायमंड कलर के या हम कह सकते हैं कट्स होते हैं, जबकि जो सा हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट लाइंस होती हैं और देखने में रफ़ रफ़ फील होता है। जो हमारा मोनोक्रिस्टलाइन पैनल होता है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन मटेरियल से बना होता है। इसके अंदर बेसिकली सेल्स होते हैं और जो उनसे हम पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल है उसके जो उनसे सेल्स होते हैं उसको अच्छी तरह एक ही लेयर पर क्रश नहीं किया जाता, इसलिए वो हमें रफ़ रफ़ फील होता है। जब भी आप सोलर पैनल लेते हैं तो उसके पीछे एक स्पेसिफिक स्टिकर लगा होता है जिसके ऊपर उसके सारे फीचर्स बताए गए होते हैं, जिसके अंदर पावर रेटिंग होती है, ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट, वोल्टेज एट लोड और करंट एट लोड। उसके अलावा उसके डायमेंशंस होती हैं कि वो उसका वेट क्या है, कितनी वेट है पैनल की, कितनी हाइट है और कितने ईयर्स की वारंटी है, क्लास ए है, क्लास बी है, जो भी है। सबसे पहले जो सा होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि ये कितने वाट का है, ठीक है। ओपन सर्किट वोल्टेज में अगर हम 175 वाट के पैनल की बात करते हैं वो हमें 18 से 22 वोल्टेज देता है, जबकि जो करंट होता है वो 8 तक मैक्सिमम या 9 तक देता है। 6 से 8 वो आपके वेदर पे डिपेंड करता है, जबकि लोड पे वोल्टेज कम हो जाते हैं और करंट लोड के मुताबिक डिलीवर पैनल करता है। और उसके साथ एक चार्ज कंट्रोलर लगता है। मैं वीडियोस काफ़ी अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सा हमारा सोलर पैनल होता है उसकी लेयर्स में लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। अगर हम सोलर पैनल को आगे से देखते हैं तो सबसे पहले हमें एलुमिनियम का फ्रेम नज़र आता है, ठीक है। उसके बाद नीचे एलुमिनियम के फ्रेम के नीचे टेम्परेचर का ग्लास होता है, उस ग्लास के नीचे एनकैप्सुलेंट जिसको हम ईवीए कहते हैं, जो हमारा एनकैप्सुलेंट होता है और उसके नीचे हमारा जो सा सोलर के सेल्स होते हैं जो वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं वो होते हैं। उसके नीचे फिर उन्होंने एनकैप्सुलेंट लगाया होता है, उसके नीचे उन्होंने एक शीट लगाई होती है जो वाइट भी हो सकती है और ब्लैक भी, बैक शीट जिसे हम कहते हैं, और उसके पीछे जंक्शन बॉक्स होता है। आप
ओरिजिनल पैनल की निशानी ये होती है कि उनके जंक्शन बॉक्स हमेशा छोटे होंगे, जबकि आपके जो फेक सोलर पैनल्स हैं उनके जंक्शन बॉक्स बहुत बड़े होंगे। जंक्शन बॉक्स कौन सा होता है उसके ऊपर ख़ास ख्याल रखना होता है कि 2 से 3 डायोड्स की स्पेस अंदर हो, और जो उनसे लोकल पैनल्स होते हैं उसके अंदर 50-50 या 40 डायोड्स लगे होते हैं जो बिल्कुल फजूल है, काइंडली उनको परचेज ना कर। जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो है कि ग्रेड ए कंपनीज कौन सी हैं जो हमारे कंट्री में काम कर रही हैं। तो जो ग्रेड ए कंपनीज हैं आप काइंडली याद रखें उनके जंक्शन बॉक्स छोटे होंगे पैनल के, और उनकी प्राइस लोकल पैनल से ज़्यादा होगी। तो चंद के मैं आपको नाम आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, जिसमें इनवरक्स के पैनल्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, उसके बाद टरीना सोलर पैनल ये भी बहुत अच्छा है, उसके बाद हमारा जिनको का पैनल है ये भी बहुत अच्छा चलता है, लेकिन मैं इनवरक्स ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और कैनेडियन सोलर पैनल है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो का लिंक शेयर करें, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें।